क्या हाल है जी? पटवारी है? नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, सफाई वाला। तो ये रजिस्टर आपके पास है? ये उन्होंने कहा था कॉपी करवा रहे। सरकारी रिकॉर्ड रख तो नहीं सकते? नहीं है? नहीं रख सकते। तो आपने रखा हुआ है? प्राइवेट आदमी आप? उनको देने जा रहा हूँ अंदर। किन को? आप ही कॉपी शॉपी करवा के लाते हैं? करवा लेता हूँ उनके कहने पे। मुंशी आप? नहीं, मुंशी लिखना पढ़ना मैं नहीं करता। प्राइवेट आदमी के पास सरकारी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये उसूल है। किसके ये सारे कमरा? नहीं, ये किसका है रजिस्टर? इफ्तिखार पटवारी। इफ्तिखार पटवारी आया हुआ? हाँ जी। या नहीं? अंदर कमरे में उनका मुंशी बैठा है, वकास। मुंशी सारे बैठे हुए? जी जी। पटवारी कोई नहीं है? आ जाएं जी, लेके चलते हैं। इनका कसूर नहीं है, बुजुर्ग हैं ये, कह रहे हैं कि कॉपी शॉपी करवाने आए हैं। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड जो है वो नहीं हो सकता किसी की तहवील में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये तो आपने देख लिया कि प्राइवेट मुंशी जो हैं वो किस तरह से सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट लोगों को दे देते हैं, और मुंशी भी प्राइवेट होते हैं। एक्चुअली पटवारी जो है वो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन पटवारी नहीं होते। अभी पटवारखाने पहुँचे हैं, आपको रिश्वत जिसने ली है और जिस तरीके से वसूल की है वो दिखाते हैं आपको। उसको पकड़ते हैं और उसको पूछते हैं कि आखिर उसने रिश्वत किस बात की। हम जैसे ही मुंशी के कमरे में दाखिल हुए, यहां पर एक प्राइवेट शख्स सरकारी रिकॉर्ड पर रखवाली कर रहा था या इसकी तहवील में था। उससे हमने बातचीत का आगाज किया तो वो बातचीत ना कर सका, यानी वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद बताया कि वो एक प्राइवेट शख्स है और मुंशी के तौर पर काम कर रहा है। मुंशी है? सारा रिकॉर्ड आपके पास? जी जी। फ्लोर साहब इधर ही हैं। कहाँ पे हैं? आ जाते हैं, वॉशरूम गया भाई। वॉशरूम तो खाली, दोनों नहीं है। नमाज पढ़ने क्यों गए? कौन से पटवारी हैं? शाहजहाँ के। शाहजहाँ, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मैं बस एक दो महीने हुए हैं। लाहौर के पटवार खानों में रिश्वत का बाजार गर्म, और ये मुंशी जो है वो कमा के दे रहे हैं, कमाऊ पुत्र हैं ये आप पटवारियों के। वो नहीं यार, कोई तो 4,500 रुपए लिए आपने फर्द के। यार पैसे लेते हुए तो बड़े बात हो, पैसे लेते हुए आप बड़ा मूड फ्रेश होता आपका कि लाओ जी 6,000 दे दो, 4,500 दे दो, 5,000 दे दो। मुंशियों का राज, माल कमाने लगे। इतने पैसे ले रहे मुख्तलिफ यार, रिकॉर्ड चेक करके 5,000 फर्द का। फिरौन बने होते हैं मुंशी, बल्कि रिश्वत खोर हैं आप, राशि हैं आप, बड़े बच्चों को हराम खिला रहे हैं आप। डीसी लाहौर जवाब न दे सके। मेरा नाम है, मैं यहाँ शादरा में पटवारी हूँ। बात कर रहा है यार, बात तो कर लें। इसके बाद हम उस शख्स के कमरे में दाखिल हुए जिसने हमारे नुमाइंदे से 4,500 रुपए रिश्वत वसूल की थी। 6,000 रुपए का मुतालबा किया गया था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए वो बड़ा हैरान और परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? जी भाई, भाई क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक है। खैरियत है जी? जी। मुंशी हैं पटवारी हैं? उनके साथ ही काम करते। पटवारी ही तो नहीं है ना? जी। सरकारी रिकॉर्ड पे मुंशी यानी प्राइवेट आदमी बैठा हुआ है? प्राइवेट आदमी ना जी, उनके साथ ही काम करते। पटवारी आप तो नहीं है ना? नहीं। मुंशी हैं? मुंशी भी काम कर रहा है ये सारे रिकॉर्ड, हर चीज मुंशी देख रहा है। है? कितने अरसे से काम कर रहे हैं जी? थोड़ी देर ही हुई। थोड़ी देर कितनी? सारा काम दो तीन महीने जी। सारा काम आ नहीं, पहले और किधर कर रहे थे? जहाँ कर रहे हैं आज बाहर ही चलते हैं। नहीं, इधर बात कर लेना। आज कोई बात नहीं, फिर क्यों? आ जाए बाहर, आ जाए, बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, आपने रिश्वत ली है जी? 4,500 रुपये रिश्वत ली आपने? किधर से? 1,500 और डिमांड कर रहे थे। ये देखिए, ये विंडो में फोटो चल रही है, ये आप हैं। 4,500 नहीं, किससे लिए भाई? इधर आ जाए ना, इधर आ जाए यार, इधर आ जाए।